Good morning, students. This is your MB class. Now we are studying chapter 12 in your MB book. The topic is here, Be Loyal, Value Loyalty. Okay? So students, let's open page number 61 in your MB book and start read from the top of the page. Okay? Number one, being loyal means you must be ready to sacrifice your own interests for another person or cause. लॉयल होने का मतलब ये है कि आप हमेशा अपना लाइफ सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी रहोगे या अपना इंटरेस्ट्स सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी रहोगे दूसरे पर्सन के लिए या दूसरे कॉज के लिए. ठीक है, लॉयल होने का मतलब ये है कि आप हमेशा रेडी रहोगे किसी पर्सन और किसी कॉज के लिए अपना इंटरेस्ट्स को सैक्रिफाइस करने के लिए. Loyalty is simply the act of putting someone or something else ahead of one's own self. Loyalty का जो simple मतलब है वो है खुद को किसी person के लिए या किसी thing के लिए खुद को sacrifice करना. Number two, be willing to sacrifice. Sacrifice करने के लिए willing रहना है ना? Being loyal in patriotic sense is being loyal to one's country. Patriotic sense में loyal होने का मतलब है कि अपने country के लिए loyal रहना. Means, अपने country के लिए अपना life sacrifice करने के लिए ready रहना. ठीक है? People who serve in military are loyal to their nation, its flag, and the purpose they serve for. जिन लोग मिलिट्री में काम करते हैं, आर्मी में जिन लोग काम करते हैं, उन लोग अपने नेशन के लिए, अपने कंट्री के लिए लॉयल है ना? अपने कंट्री का जो फ्लैग है, उसके लिए लॉयल है, और अपने कंट्री के लिए उन लोग जो कुछ कर रहे हैं, उस काम के लिए उन लोग लॉयल है. Being loyal to a friend or your own family may also require sacrifice. आप अपने फ्रेंड के लिए या अपने फैमिली के लिए लॉयल रहोगे, इसका मतलब भी आपको कुछ सैक्रिफाइस करना होगा. Number three, giving. So, as to be loyal, you need to give many things to the person or object towards which you are loyal. जब आप लॉयल हो, तब आपको उस पर्सन और उस ऑब्जेक्ट के लिए कुछ थिंग्स सैक्रिफाइस करना है या देना है. जिस पर्सन और थिंग्स के लिए आप लॉयल हो, उस पर्सन और थिंग्स के लिए आपको कुछ ना कुछ देना है. यू नीड टू गिव योर फीलिंग्स, योर टाइम, योर एनर्जी एटसेट्रा. आपका फीलिंग्स, आपका टाइम, आपका एनर्जी उस लॉयल पर्सन और लॉयल थिंग के लिए आपको देना चाहिए. नंबर फोर, ऑर्डर ऑफ लॉयल्टी. डिसाइड द ऑर्डर ऑफ योर लॉयल्टी. यू हैव टू डिसाइड द ऑर्डर ऑफ योर लॉयल्टी. इन अदर वर्ड्स, कंसीडरिंग योर लॉयल्टी, डिसाइड हु कम्स फर्स्ट, हु कम्स सेकेंड एंड हु कम्स आफ्टर दैट. है ना? अपना लॉयल्टी का एक ऑर्डर आपको डिसाइड करना है. आपका लॉयल्टी कंसीडर करके आपको डिसाइड करना है कौन फर्स्ट आते हैं, कौन सेकंड आते हैं या कौन उसके बाद आते हैं. इन द जूडियो क्रिश्चियन रिलीजियन, द ऑर्डर ऑफ लॉयल्टी इज समड अप एज गॉड, फैमिली एंड कंट्री, putting loyalty to God first, then family, and finally the country. Judeo-Christian religion में loyalty का जो order है, उसको ऐसे sum up किया गया है. पहले God है, then family है, then country है. मतलब अपना loyalty पहले God के लिए show करना चाहिए, then अपने family के लिए show करना चाहिए, then अपने country के लिए show करना चाहिए. Number five, consider the benefits of loyalty. Consider the benefits of loyalty. By being a loyal employee,
यू गेट रिवॉर्ड्स लाइक इंक्रीज इन पे, जॉब सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम योर एम्प्लॉयर. बाय बीइंग अ लॉयल एम्प्लॉय, जब आप अपने वर्क प्लेस में लॉयल रहोगे, लॉयल एम्प्लॉय हो जाओगे, तब आपको रिवॉर्ड्स दिया जाता है, आपका जो पेमेंट है उसको इंक्रीज किया जाता है, आपका जो जॉब है उसको सिक्योरिटी दिया जाता है, जॉब सिक्योर हो जाता है आपका, क्योंकि आप एक लॉयल एम्प्लॉय हो. इसीलिए आप एक लॉयल एम्प्लॉय हो इसीलिए आपके ऑफिस में आपका सैलरी बढ़ जाता है. आप लॉयल एम्प्लॉय हो इसीलिए आपको सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, है ना. नंबर 6, जज द रिजल्ट्स. ऑलवेज शो लॉयल्टी अकॉर्डिंग टू द सरकमस्टेंसेस, है ना. सरकमस्टेंसेस के अनुसार आपको अपना लॉयल्टी शो करना चाहिए. इफ बीइंग लॉयल टू अ पर्सन क्रिएट्स अ नेगेटिव फीलिंग इन योर फैमिली और सोसाइटी, इट मे नॉट बी वर्थी टू कंटिन्यू विथ दैट लॉयल्टी. जैसे कि ऐसे एक पर्सन, जो पर्सन अपने फैमिली अपने सोसाइटी के लिए नेगेटिव फीलिंग को क्रिएट करते हैं, ऐसे पर्सन के लिए अपना लॉयल्टी कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, है ना. ये यूजलेस है. नंबर 7, मेंटेन अ बैलेंस. मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन योर लॉयल्टी एंड द डे टू डे नीड्स ऑफ योर ओन लाइफ एंड फैमिली. आपको एक लॉयल्टी का बैलेंस करना चाहिए, है ना. लॉयल्टी का एक बैलेंस करना चाहिए, अपनी लॉयल्टी और डे टू डे नीड्स ऑफ योर ओन लाइफ एंड फैमिली. अपने फैमिली के लिए अपने लाइफ के लिए जो डे टू डे नीड्स है उसका बैलेंस लॉयल्टी के साथ करना है. अदरवाइज इट मे हैव अ बैड इम्पैक्ट ऑन योर पर्सनल रिलेशनशिप्स. अदरवाइज आपका ज़्यादा लॉयल्टी के लिए आपके पर्सनल जो रिलेशनशिप है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, उन लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप खराब हो सकता है. नंबर 8, लुक फॉर रिवॉर्ड एंड अप्रिसिएशन. इफ योर लॉयल्टी इज नॉट अप्रिसिएटेड बाय अ ग्रुप और पर्सन, इट विल नॉट बी बेनिफिशियल और रिवॉर्डिंग फॉर यू. आपका लॉयल्टी आपके ग्रुप या किसी ग्रुप या किसी पर्सन के द्वारा अप्रिसिएटेड नहीं हो रहा है तो वो लॉयल्टी मीनिंगलेस है. आप अपना लॉयल्टी शो करते हो बट अपना आपका जो लॉयल्टी है वो लॉयल्टी किसी ग्रुप और किसी पर्सन के द्वारा अप्रिसिएटेड नहीं होता है तो वो लॉयल्टी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है एंड वो लॉयल्टी आपको कभी भी रिवर्ड नहीं करने वाला है. वी मस्ट रिमेम्बर दैट बीइंग लॉयल ट्रूथफुल और डेडिकेटेड टू समवन और समथिंग इज नॉट वेरी इजी. हमको याद रखना चाहिए कि लॉयल ट्रूथफुल डेडिकेटेड किसी पर्सन के लिए या किसी थिंग के लिए रहना बहुत इजी नहीं होता है, ठीक है. किसी पर्सन के लिए लॉयल ट्रूथफुल एंड डेडिकेटेड होना इतना सिंपल नहीं होता है, इतना इजी नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल, यू आर लॉयल टुवर्ड्स ऑल योर फ्रेंड्स. फॉर एग्जाम्पल ये बोला जाता है कि आप अपने फ्रेंड्स के लिए लॉयल हो. नाउ इफ टू ऑफ योर फ्रेंड्स स्टार्ट फाइटिंग विथ ईच अदर, हुम विल यू सपोर्ट. जब आपका दो फ्रेंड्स एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट कर देंगे तो आप किसको सपोर्ट करोगे. योर पोजिशन बिकम्स वेरी अकवर्ड. तब आपका पोजिशन बहुत अकवर्ड हो सकता है, है ना. हाउ एवर, लॉयल्टी इन सम केसेस ऑल्सो हैज अ नेगेटिव साइड. कभी कभी लॉयल्टी का भी नेगेटिव साइड रहता है. फॉर एग्जाम्पल, अ टेरोरिस्ट बींग लॉयल टूवर्ड्स हिज टेरोरिस्ट ग्रुप. कभी कभी एक टेरोरिस्ट अपने टेरोरिस्ट गैंग के लिए, अपने टेरोरिस्ट ग्रुप के लिए भी लॉयल रहते हैं और वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए
वो बहुत खतरनाक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देयर इज अ स्टोरी गिवेन, वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास।